अभी हमारी पार्टी में, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, हमने सभी प्रदेश के, हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर जिले स्तर के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, सभी की राय शुमारी हुई है। उसमें चूंकि हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सभी जगह से अनेकों अनेक दावेदारों के नाम आए हैं। वो सारे नाम हमने केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसमें रख दिए हैं। उसमें से अब जिन नामों पर भी फैसला होगा, देश काल परिस्थिति के अनुरूप, उन सभी पर अपने समय से फैसला हो जाएगा। सर, हरक सिंह रावत ने कहा है कि आपने उनको निकाला है सोशल मीडिया की वजह से, उनके साथ कोई संपर्क नहीं किया गया और उन्होंने कुछ गलत नहीं करा। देखिए, हमारी पार्टी में जब तक वो रहे हैं, हमने उनका पूरा मान सम्मान किया है। आप सबके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें समाचार माध्यमों से, अन्य माध्यमों से आने लगी, तो उस पर पार्टी ने अपना निर्णय लिया है। सर, एक बहुत अहम इस टाइम जो चल रहा है कांग्रेस में, क्या आप लगता है रावत बनाम रावत वहाँ पे होगा? हाँ, ये तो देखिए, हमारी पार्टी ने जो निर्णय उनके बारे में लेना था ले लिया। अब कांग्रेस पार्टी को उनके बारे में निर्णय लेना सर, है। कौन से अहम मुद्दे होंगे जिस पे आप इस बार हमने फोकस जो पिछले 5 सालों में जो काम हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा योजनाएं वहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं, अनेकों अनेकों क्षेत्रों में काम हुआ है, जो सड़कों के क्षेत्र में हो, रेल के क्षेत्र में हो, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिन क्षेत्रों में काम न हुआ हो। हम अपने कामों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और हम आश्वस्त हैं कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमको अपना आशीर्वाद देगी और उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार चुनेगी जो केंद्र में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार, ऐसी सरकार जो अपनी, जो उत्तराखंड की जनता की जरूरत केंद्र के सामने रखे, केंद्र उसको अपनी प्राथमिकता में ले, दोनों सरकारें मिलकर उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाएं।